गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म। गुड इवनिंग दीपशिखा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रवर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। Okay, thank you so much, Prabhar, for the confirmation. Okay, guys, let's wait for another minute. Let other people also join the session. Good evening, Kaushik. Good evening, Tarun. Very good evening. Okay, so let's start today's session. So good evening everyone, welcome back to our channel Rossum Legal. So today we are here on 13th of April 2023 in the class of judgment analysis, and today we are going to analyze the judgment of Naeem Ahmed versus State and City of Delhi. So aaj ka jo case hai na, basically usme kya hua hai na ki ek promise kiya gaya tha marriage ka jo ki ho nahi paya, theek hai na, aur us par kya hai false promise or breach of promise. दो जो वर्ड्स है ना इसमें डिफरेंस बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया आज के केस में. गुड इवनिंग अलोक, एक वेरी गुड इवनिंग बेटा. तो आज के हम केस में यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फॉल्स प्रॉमिस क्या होता है और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस क्या होता है. समझ में आ रही बात? तो यहां पर कहीं ना कहीं जो हम ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि अगर भाई कोई शादी का वादा करता है और शादी का वादा करके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसके बाद जो है शादी पूरी नहीं करता है, शादी नहीं करता है, तो क्या वो रेप के लिए चार्ज किया जा सकता है? हमने बहुत सारे जजमेंट पड़े हैं जहां पर हमने ये चीज देखा है, सेक्शन 376 के अंदर बंदे लायबल हो जाते हैं और बहुत सारे जगहों पर लायबिलिटी नहीं आती है. तो उसके पीछे की बेसिक रीजनिंग क्या है? क्योंकि होता क्या है कि हमने जजमेंट तो बहुत पड़े हैं लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसके पीछे की रीजनिंग को नहीं समझा है. क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं साहब यहां पर जो है ये सफिशियंट जो है कॉज नहीं दिख रहा है हमें, और जो कहीं ना कहीं कंसेंट थी बंदी की और यहां पर आप इतने टाइम से जुड़े हुए थे, यहां पर कंसेंट दे रखी थी, अगर आपने विलफुल यहां पर विलफुल एक्ट था, जो सेक्सुअल एक्ट है वो विल के साथ है और कंसेंट के साथ है, तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यहां पर रेप के चार्जेस नहीं लगेंगे. तो इसको अपन कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि अगर कोई भी बंदा ये बोलता है कि हम आपसे शादी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो क्या रहा है कि आप जो है उस चीज पर रिलाई होकर अपनी विल दे रहे हो, कंसेंट दे रहे हो. समझ में आ रही बात? तो अगर आप किसी भी तरीके से डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हम आपसे शादी करेंगे उसके बाद आप उसके साथ सेक्शन रिकॉर्ड करते हो जस्ट टू सेटिस्फाई योर लस्ट, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज सेक्शन 376 के अंडर में कवर होती ही होती है. क्लियर हो रहा है? तो आज के इस केस में कहीं ना कहीं हम इसी चीज को कवर करने वाले हैं कि क्या कौन सी ऐसी वो दो चीजें हैं कहीं ना कहीं जिसमें एक साइड जो है बंदा लायबल हो जाता है और दूसरी साइड जो है लायबिलिटी इंपोज नहीं होती है. क्लियर हो रहा है? तो प्लीज मेक श्योर कि आप सेशन को एंड तक जरूर देखें, और इनकेस आपको कोई भी कंफ्यूजन बनता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप प्रोसेस लीगल के पार्ट हैं तो बाद में आप इसे व्हाट्सएप पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स जंप ऑन दिस केस विच इज Naeem Ahmed वर्सेज स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, decided on 30th of January 2023 by the Supreme Court of India bench of Justice Ajay Rastogi Sahab and Justice Belaim Trivedi Mem. समझ में आ रही बात? तो ये बेसिकली टू जजेस बेंच के सामने लिस्ट किया गया था और उन्होंने इस मैटर को डिसाइड किया, और यहां पर बेसिकली वही चीज निकल कर आई थी कि एक लड़का जो और लड़की जो है किसमें थे, एक रिलेशनशिप में थे, उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, उसके कुछ टाइम बाद जाकर जिससे उनको एक बच्चा भी हुआ, बाद में जाकर उसने शादी करने से मना कर दिया, तो क्या उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगाए जाएंगे नहीं लगाए जाएंगे? आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट से इस बंदे को पनिशमेंट दिया गया था, इसको कॉन्विक्ट माना गया था अंडर सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी विच इज पनिशमेंट फॉर रेप, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, ठीक है ना. जजमेंट देखिए यार, वो तो कहीं ना कहीं हाँ या ना ही आता है लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है ना वो हर केस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगेन यहां पर यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोली कि फैक्ट टू फैक्ट चीजें डिपेंड करती हैं कि भाई आप किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हो. तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस सेशन को जरूर देखें एंड तक, और इसमें क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए सो लेट्स जंप ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस. तो क्या हुआ यहां पर? द प्रोसिक्यूटरिक्स वॉज रिसाइडिंग इन टेनेंटेड प्रमाइसेस एट उत्तम नगर दिल्ली विद हर हस्बैंड एंड थ्री चिल्ड्रन इन द ईयर 2009. ये बात है 2009 की, जब जो प्रोसिक्यूटरिक्स है बेसिकली वो किसके साथ, जो एक तरीके से आप विक्टिम मान लीजिए, जो वो रहती थी अपने पति के साथ और तीन बच्चों के साथ कहां पर, उत्तम नगर दिल्ली में एक किराए के मकान. क्लियर हो रहा है? ये है बेसिक. फर्दर द एक्यूज वॉज ऑल्सो रिसाइडिंग इन द टेनेंटेड प्राइमेट प्रमाइसिस विच वॉज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस. और जो यहां पर एक्यूज है,
ठीक है, नायम अहमद साहब जो हैं वो भी उनके घर के सामने ही एक फ्लैट में किराए से रहा करते थे, ठीक है ना। सो ऑन 21st of March 2015 द प्रोसिक्यूटर्स लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, एलिजिंग इंटर एलिया दैट द अक्यूज्ड वाज पर्सुएडिंग हर बाय स्टेटिंग दैट हर हस्बैंड वाज नॉट अर्निंग सफिशियंट इनकम एंड दैट ही हैड अ गुड जॉब एंड ही वुड रिमेन ही वुड मेंटेन हर अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। द अक्यूज्ड आल्सो अश्योर्ड हर दैट ही वुड सोलेमनाइज मैरिज विद हर। तो हुआ क्या, ये बात है लगभग 2009 में ये चीजों का शुरुआत हुई और 2015 में लगभग 6 साल बाद आकर जो है कंप्लेंट लॉन्च कराई, किसने, प्रोसिक्यूटर्स ने अगेंस्ट द अक्यूज। तो इन्होंने ये बताया कि भाई 2015 में इन्होंने कंप्लेंट में ये चीज बोली कि भाई जो सामने अक्यूज रहते थे नायम अहमद साहब, उन्होंने क्या करा, इनको ये चीज बोली कि आपके हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं आपके स्टेटस के हिसाब से, आप हमारे साथ चलिए, मैं बहुत ज्यादा कमाता हूं, आपका ध्यान रखूंगा, फलाना फलाना, आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, ये सब चीजें जो है इनको समझा बुझाकर कहीं ना कहीं इनको अपने साथ इनके अपने तरफ इनको मोड़ लिया। उसके साइड बाय साइड इनके साथ जो है क्या हुआ, एक इलिसिट रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश हुए, 2011 में इनको एक बच्चा भी हुआ, वो आगे आने वाले फैक्ट्स में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जस्ट टू मेक द थिंग इंटरेस्टिंग, मैंने ये सारी चीजें आपको अभी से बता दी कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगे कि एक्चुअली फैक्ट्स में हुआ क्या था। चलिए, सो देयर आफ्टर द अक्यूज्ड वाज विद एन इंटेंशन टू हैव इलिसिट इंटरकोर्स with her, used to call her at various places, as the result thereof she was impregnated in the year 2011. तो हुआ क्या कि भाई धीरे धीरे, क्योंकि सामने रहता था किराए के मकान में नायम अहमद, तो ये बात है 2009 के बाद की कि भाई इन लोगों में मिलना जुलना शुरू हुआ, इंट्रैक्शन हुआ, और कहीं ना कहीं इन्होंने जगह जगह पर इसको बुलाना शुरू कर दिया और जो है इलिसिट इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स इनके बीच में हुआ, एक जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ, जिसके चलते इनको एक बच्चा भी हुआ। समझ में आ रही बात, ये बेसिकली इंप्रेगनेट हुई 2011 में और 2011 में ही इनको जो है इनकी डिलीवरी भी हुई। सो ही ऑल्सो अश्योर्ड हर दैट ही वॉज नॉट अ मैरिड मैन एंड आफ्टर द मैरिज ही वुड टेक हर टू हिज नेटिव प्लेस। और उस बंदे ने जो एक्यूज ने उसको ये बताया कि भाई वो बंदा शादीशुदा नहीं है प्रोसिक्यूटरिक्स को, और शादी करके वो उस बंदी को कहां लेकर जाएगा, अपने अपने घर पर लेकर जाएगा, अपने परिवार के पास लेकर जाएगा, अपनी नेटिव प्लेस पर लेकर जाएगा। समझ में आ रही बात, ये चीज कहीं ना कहीं इसको इन्होंने बताई। फर्दर, so in the year 2012 the accused entices her away in the another rented premises and continued to have illicit relationship with her। to hua kya 2012 ki baat hai ki inko kisi aur dusre ghar mein le gaya, theek hai na, dusre kiraye ki property, matlab usne location change kar di, dusri jagah lekar gaya, wahan pe apne sath rakhaya tha, theek hai na, aur uske sath continue kari, uski jo illicit relationship thi wo continue rahi uske sath, theek hai, bacche hone ke bawajood bhi। after some time the accused vacated the said rented premises with a false excuse that his parents were severely ill and he had to visit the rented place। कुछ टाइम बाद उसने वो घर खाली कर दिया और ये बोलकर, झूठ बोलकर कि भाई उसके माता पिता की तबीयत खराब है, और वो उस जगह को छोड़कर चला गया। मतलब कुल मिलाकर अब वो इनसे पिंड छोड़ाने के मूड में था, ठीक है। सो ही टोल्ड द प्रोसिक्यूटर्स टू टेक शेल्टर इन अ शेल्टर होम अलोंग विद अ माइनर चाइल्ड नमन। सो जो बच्चा इनको हुआ था 2011 में उसका नाम नमन रखा, और इनसे ये चीज बोली कि साहब मुझको अभी अपने घर जाना पड़ेगा, मैं अभी आपको नहीं ले जा सकता क्योंकि हमारी आपकी शादी नहीं हुई है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा, तो एक काम करो आप किसी भी शेल्टर होम में जाकर रह लो उस बच्चे के साथ। ये चीज इन्होंने प्रोसिक्यूटर्स से बोली। He also forced her to take divorce from her husband। और अभी तक इनके जो हस्बैंड थे जिनके साथ ये रहा करती थी उससे अभी तक इनका तलाक नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर भी ये प्रेशर बना रहे थे कहीं ना कहीं कि आप तलाक ले लीजिए, ठीक है ना, उस लड़की से। क्लियर हो रहा है। The prosecutor said further alleged in the complaint that the accused had lied to her that he had gone to his native place, but in fact he had not gone, which she came to know when she visited the call center where the accused was working. When she made hue and cry at place of working, he assured her that he would soon marry her in the year 2012. So basically हुआ क्या कि ये चीज इन्होंने तब पता चली कि नहीं वो अपने गांव नहीं गया, अपने घर वालों के पास नहीं गया है, ठीक है ना, जब ये कहां पहुंची, उसकी वर्किंग प्लेस पर। वो लड़का एक कॉल सेंटर में काम करता था, एक्यूज एक कॉल सेंटर में काम करता था, जब वो वहां पहुंची वहां देखा कि भाई ये बंदा तो यहीं पर है, ठीक है ना, वो तो गया ही नहीं है। समझ आ रही है, ये फैक्ट्स को आप समझिए कि चल क्या रहा है यहां पर, ठीक है। इसलिए मैंने इसी डिटेल में आपके साथ फैक्ट डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज मैं बोल सकता था कि भाई एक इलिसिट रिलेशनशिप थी, उसके बाद जो है इनके साथ इन्होंने ये चीजें करी, उसके बाद ये केस फाइल हो गया, ठीक है। मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं एक चीज आपको समझ में आए कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन में यहां पर डिस्कस करेगा ना, वो चीज सब समझ में आएंगे आपको। हुआ क्या कि जब इनके वर्किंग प्लेस पर पहुंची तब इनको पता चला साहब ये बंदा यहीं पर है, और जब वहां पर एक तरीके से चिल्लम चिल्ली हुई, वहां पर एक सीन क्रिएट हुआ, तब उस बंदे ने बोला कि नहीं भाई हम तुमसे बहुत जल्दी ही शादी करेंगे। मतलब कंटिन्यूसली यहां पर जो फैक्ट्स है ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा कंटिन्यूसली ये प्रॉमिस कर रहा था कि हम आपसे शादी कर लेंगे, हम अब आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन शादी जो है एंड तक नहीं हुई, ठीक है ना। सो इन द ईयर 2012 शी विजिटेड द नेटिव प्लेस ऑफ द अक्यूज्ड एंड केम टू नो दैट ही वाज ऑलरेडी मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन आल्सो। 2012 में जब ये उनके नेटिव प्लेस पहुंची तब इनको पता चला कि भाई वो बंदा जो है नायम अहमद जो एक्यूज है वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। समझ में आ रही बात, तब तो इनकी धरती तले जो पैरों पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। द पेरेंट्स ऑफ द एक्यूज रिफ्यूज टू कीप हर देयर।
तो वो जो लड़की जो है इस इच्छा में गई थी कि साहब उसको जो है उनके माता पिता एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उनके माता पिता ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें यहां नहीं रख पाएंगे, आप देख लो जहां जाना हो। ठीक है, फिर आफ्टर ऑल्सो द अक्यूज केप्ट ऑन एश्योरिंग हर, उसके बावजूद भी इतना सब तामझाम हो गया, उसके बावजूद भी जो अक्यूज है वो कंटिन्यूसली ये बोलता रहा कि भाई हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुम्हें रखेंगे अपने पास, सारी प्रॉमिस जो है वो कंटिन्यूसली बोलता ही रहा। ठीक है ना, हेंस द कंप्लेन वॉज फाइल्ड, लेकिन शादी नहीं करी उसने, इस वजह से इनको जो है कंप्लेन फाइल करनी पड़ी 2015 में। समझ में आ रही बात, द सेड कंप्लेन वॉज रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन बिंदापुर दिल्ली ऑन 21st of March 2015 अगेंस्ट द अक्यूज फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी। तो रेप के इन्होंने चार्जेस लगाए कि भाई ये बंदा जो है शादी का झूठा झांसा देकर हमारे साथ जो है सेक्शन इंटरकोर्स करता रहा कंटिन्यूसली, और इस चक्कर में इसके ऊपर हमने सेक्शन 376 के अंदर जो है रेप का केस जो है फाइल कर दिया। शी हैड ऑल्सो मेट हिज वाइफ एट हिज हाउस। यहां पर जब ये मैटर निकल कर आया और अक्यूज के ऊपर जब एलिगेशन लगाए गए ना, तो कहीं ना कहीं इसने ये चीज बोली कि साहब इनके ऊपर लगाए गए सारे ही जो चार्जेस हैं एलिगेशन है वो बेबुनियाद है, बेसलेस है। क्यों? क्योंकि उस लेडी को पता था, प्रोसिक्यूटरिक्स को पता था कि मैं शादीशुदा हूं, मैंने अपनी वाइफ से इसको मिलवाया भी था, तो मैंने इससे कुछ भी झूठ नहीं बोला। इसने मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन इंपोज करें जस्ट बिकॉज कि इसने मुझसे 1.5 से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी जो कि मैंने पूरी नहीं करी, तो इसने मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा दी, किसके? रेप के। समझ में आ रही बात, ये चीज अक्यूज ने बोली। तो ये हो गया अक्यूज का साइड, प्रोसिक्यूटरिक्स का साइड हमने डिटेल में पढ़ा साइड, उसके बाद हमने अक्यूज का साइड जो है ये देखा। फर्दर द सेशंस कोर्ट After appreciating the evidence on record, convicted and sentenced him to undergo rigorous imprisonment for a period of 10 years and pay fine of ₹50,000 in default thereof to suffer further imprisonment for a period of 1 year. तो 10 साल की सजा, 50,000 रुपए का फाइन, 50,000 रुपए नहीं दे पाए तो 1 साल का साइन पनिशमेंट और। फर्दर ये बात तो रही पनिशमेंट की, फर्दर उन्होंने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने को बोला किसको? अपीलेंट को। बेसिकली यहां पर जो प्रोसिक्यूटरिक्स है उनको यहां पर क्या बोला कि आप एक काम करिए, जाकर अपीलेंट से बोला कि आप 1 लाख 5 लाख रुपए इनको दे दीजिए एज अ कॉम्पनसेशन। समझ में आ रही बात, किसने बोला? सेशन कोर्ट ने बोला। अब जब ये मैटर हाईकोर्ट पहुंचा, द हाईकोर्ट इन द अपील फाइल्ड बाय द अपीलेंट, तो यहां पर नायम अहमद ने साहब अपील फाइल करी अगेंस्ट द कॉम्पनसेशन, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सेशन कोर्ट। तो हाईकोर्ट ने क्या बोला, हाईकोर्ट मॉडिफाइड द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस पास बाय द सेशन कोर्ट बाय रिड्यूसिंग द सब्सटेंटिव सेंटेंस टू 7 ईयर्स। 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया, 50,000 से घटाकर 5,000 कर दिया, लेकिन जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट था 5 लाख रुपए का वो स्टिल सेम रखा। उन्होंने बोला कि नहीं साहब, ये तो अपीलेंट को देना पड़ेगा, ये तो नायम अहमद को प्रोसिक्यूटर्स को देना ही पड़ेगा 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन। अब जिसके वजह से ये कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अगेंस्ट द सेंटेंस एंड अगेंस्ट द कॉम्पनसेशन। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या कर दी, पिटीशन फाइल, अपील फाइल कर दी। क्लियर हो रहा है? तो फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर है ना कि कंटिन्यूसली वो बंदा प्रॉमिस कर रहा था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन एंड में नहीं हुई। क्लियर हो रहा है? तब देखते हैं यहां पर हुआ क्या। So let's jump on the issue. So whether committing breach of promise can be considered as a false promise. तो यहां पर जो है दो वर्ड यहां पर निकल कर आएंगे, breach of promise कि भाई आपने कोई चीज प्रॉमिस करी थी और वो टूट गई। समझ में आ रही है बात, एक तो ये है, दूसरा है फॉल्स प्रॉमिस कि आपने एक ऐसी प्रॉमिस करी है जो स्टार्टिंग से ही झूठी थी। समझ में आ रही बात, जैसे मान लीजिए कि मैंने तरुण से ये प्रॉमिस किया कि यार तरुण अगर तुम यूपी जुडिशरी निकाल लेते हो तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूं। ठीक है, मैंने तरुण से बोला कि यार तरुण अगर तुम यूपी जुडिशरी निकाल लेते हो और जो है टॉप 100 में अगर जो है तुम क्रैक करते हो उसके, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें एक जो है BMW की एक बाइक गिफ्ट करूंगा। ठीक है ना, ये मैंने तरुण से एक प्रॉमिस किया मान लीजिए। उसके बाद हुआ क्या कि तरुण ने जो है क्रैक कर लिया यूपी जुडिशरी। ठीक है ना, तो लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इस वजह से मैं इसको बाइक दे नहीं पाया, मैं कंट्रेसली बोलता रहा कि यार मैं हाँ दिला दूंगा, और तरुण ने मेरे ऊपर कर दिया केस। ठीक है ना, मैं एक जनरल चीज बात करूं, एक चीज ये होती है कि मैंने स्टार्टिंग से ही प्रॉमिस कर रखा था, तो मैंने दिमाग में बना रखा है यार कुछ नहीं देना वेना नहीं है, फालतू बेवकूफ बना रहा हूं मैं केवल। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है? तो यहां पर दूसरी चीज कि एक चीज ऐसी है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, तो यही चीज यहां पर बन रही है कि भाई आपने प्रॉमिस तो किया था लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि ये शादी नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, उससे, और दूसरी तरफ जो है फॉल्स प्रॉमिस का मतलब यह है कि आप स्टार्टिंग से ही जो है झूठ बोल रहे थे, आपको पता था कि आप कुछ नहीं करने वाले हो, ये होता है फॉल्स प्रॉमिस। तो क्या कमिटिंग ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स प्रॉमिस, कि क्या हम जो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है उसको फॉल्स प्रॉमिस कंसीडर कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये चीज कहीं ना कहीं इशू निकल रेज हुआ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी हो सकता है आपको इशू क्लियर ना हो रहा हो, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी दीपशिका ने एक डाउट रेज किया है, सर ये जो पनिशमेंट में फाइन इंपोज की जाती है वो विक्टिम को एज अ कॉम्पनसेशन मिल जाती है या उसको कोर्ट रखती है? नहीं, विक्टिम को ही मिलती है, क्योंकि ये कॉम्पनसेशन, क्योंकि होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी जो रेप के केसेस में कई बार जो पनिशमेंट सॉरी जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है इसको कई बार हर्बल मनी के नाम से भी बोला जाता है। आप लोगों ने शायद ये वर्ड सुना होगा,
हर्बल मनी, ठीक है ना। तो चाहे वो एसिड अटैक हो, चाहे वो रेप हो, तो इसमें जो कॉम्पनसेशन देता है ना कोर्ट, जबकि कॉम्पनसेशन आपने मेनली सुना होगा सिविल केसेस में कॉम्पनसेशन मिलता है, क्रिमिनल में पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो जो रेप के केसेस है यहां पर कहीं ना कहीं हर्बल मनी के तौर पर जो है क्या दिया जाता है, कॉम्पनसेशन दिया जाता है। किसको? विक्टिम को। यहां पर विक्टिम को ही दिया जा रहा है। ये यही डिफरेंस है फाइन में और कॉम्पनसेशन में। फाइन गवर्नमेंट के पास जाता है और कॉम्पनसेशन विक्टिम के पास जाता है। समझ में आई, समझिएगा इस चीज को, समझ में आ रही बात। चलिए, सो वी आर डन विद द सेक्शन 357 सीआरपीसी। हाँ, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम की बात कर रहा हूं। इवन वो 357 भी नहीं है यार, शायद 357 एबीसी कुछ करके है आई थिंक। मैं कॉम्पनसेशन दिया जाता है, हाँ एग्जैक्टली, गॉट इट। ओके, थैंक यू सो मच दीपशिका, थैंक यू तरुण। सो लेट्स मूव फर्दर, सो लेट्स जंप ऑन द अपीलेंट आर्गुमेंट। तो अपीलेंट ने यहां पर क्या बोला देखते हैं। द लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द अपीलेंट वेहेमेंटली सबमिटेड दैट द प्रोसिक्यूटर इज हैविंग एडमिटेड इन हर एविडेंस दैट शी वाज अ कंसेंटिंग पार्टी टू द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द अपीलेंट सिंस 2009-2010। अब यहां पर सबसे पहला कंटेंशन जो इन्होंने यहां पर उठाया था, उन्होंने ये चीज बोली, ठीक है ना। तो लर्न काउंसिल ने सबसे पहली चीज ये बोली कि साहब एक चीज समझिए कि प्रोसिक्यूटर ने खुद ये चीज एडमिट करी है अपनी गवाही में, स्टेटमेंट में, अपने एविडेंस जो उन्होंने दिया है कि भाई आज के ये क्या है, ये एक इलिसिट रिलेशनशिप में थी, सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी। किसके साथ? अक्यूज के साथ, सिंस 2009 and 10। लगभग 5 साल हो गए, 2015 में कंप्लेन फाइल किया, मतलब लगभग 5 से 6 साल ये रिलेशनशिप में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में रही। समझ में आ रही है बात? किसके साथ? नायम अहमद, अक्यूज के साथ। So, and that it continued even after the delivery of the child in 2011. बच्चा होने के बावजूद भी ये उसके के continue रहा relationship. So, till filing the complaint in 2015. 2015 तक जो है ये चीजें continue रही, समझ रहे हो बात? Further, so it could not be said by any stretch of imagination that the appellant accused had committed rape within the meaning of clause secondly of section 375 read with section 90 of the IPC. तो इनका बोलना यह है कि किसी भी तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि जो अपीलेंट अक्यूज है, ठीक है ना, उसने किसी भी तरीके से यहां पर रेप कमिट किया है। समझ में आ रही बात? तो ये इनका बोलना यह है कि ये विलफुल सेक्शन अंडर कोर्स था, कंसेंशुअल सेक्शन अंडर कोर्स था, तो यहां पर किसी भी तरीके से रेप के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। क्लियर है? फर्दर, द लर्न काउंसिल हैज रिलाइड अपॉन द डिसीजन ऑफ दिस केस इन दिस कोर्ट इन द केस ऑफ दिलीप सिंह एलियस दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इन द केस ऑफ प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, एंड इन द केस ऑफ डॉक्टर ध्रुवरम मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स टू बटरेंस सबमिशन दैट द कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप विच इफ कंटिन्यूड बिटवीन द पार्टीज फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम इन द इंस्टेंट केस फॉर अबाउट 5 years कुड नॉट बी सेड टू हैव कंटिन्यूड अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 90 एंड कुड नॉट बी सेड टू बी रेप अंडर सेक्शन 375। तो यहां पर क्या बोला उन्होंने, यहां पर लगभग 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उनको रेफर करते हुए अपीलेंट काउंसिल ने यह चीज बोली कि भाई इन तीनों जजमेंट में यह चीज बोली गई है कि अगर किसी के साथ आप सेक्शन रिलेशनशिप में रहते हो कुछ एक लंबे टाइम तक, ठीक है ना, तो जो कि यहां पर दिख रहा है लगभग 5 साल इन लोगों के बीच में एक सेक्शन रिलेशनशिप रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, किसी भी तरीके से बेब को बनाया जा रहा है या ये एक तरीके से भुलावे में रखा गया, कुछ भी ऐसा नहीं है, उन सबको रियलिटी पता थी। तो किसी भी तरीके से आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि ये कोई मिसकंसेप्शन है, ना ही ये सेक्शन 90 के अंदर जाएगा और ना ही सेक्शन 375 के अंदर रेप के अंदर कवर किया जाएगा। समझ वाली बात? तो ये चीज किसने बोली? अपीलेंट ने बोली। क्लियर हो रहा है? सो लेट्स मूव फर्दर, लेट्स जंप ऑन द रिस्पोंडेंट आर्गुमेंट। तो रिस्पोंडेंट ने क्या बोला? द लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट सबमिटेड दैट द सेशंस कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैविंग कॉन्करेंटली रिकॉर्डेड फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट्स अगेंस्ट द अपीलेंट अक्यूज होल्डिंग हिम गिल्टी अंडर सेक्शन 376 आईपीसी दिस कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेम। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भाई सेशंस कोर्ट हाई कोर्ट ने जो उनकी फाइंडिंग्स है ना फैक्ट्स की और एविडेंसेस की उस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि भाई इस बंदे ने रेप कमिट किया, तो इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं सुप्रीम कोर्ट, यही बोलता है आदमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम इवन अदरवाइज द प्रोसिक्यूशन हैड प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द अपीलेंट अक्यूज हैड लर्ड द प्रोसिक्यूटर टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिम बाय गिविंग हर अ फॉल्स प्रॉमिस दैट ही वुड मैरी हर। बात तो प्रोसिक्यूशन ने ये चीज बोली, जो रिस्पोंडेंट काउंसिल उन्होंने ये चीज बोली कि साहब प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ कर दिया है कि भाई यहां पर जो विक्टिम जो अक्यूज है उसने क्या करा था, अक्यूज ने क्या करा था कि भाई प्रोसिक्यूटरिक्स को कहीं ना कहीं सेक्शन रिलेशनशिप में फंसाया ये झांसा देते हुए कि हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन हाउएवर ही कमिटेड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस आफ्टर शी डिलीवर्ड द चाइल्ड, और उसने कहीं ना कहीं उस प्रॉमिस को तोड़ा जैसे उसने बच्चे को जन्म दिया, विच क्लियरली प्रूव दैट हर कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय द अपीलेंट अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तो इनका बोलना यह है कि इन्होंने इनकी जो कंसेंट ली थी वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में थी, इसलिए उस कंसेंट को कंसेंट ना माना जाए, यहां पर तो कंसेंट मिसिंग है, अगर विल या कंसेंट कुछ भी मिसिंग होता है सेक्शन इंटरकोर्स में तो वो रेप के लिए चार्ज किया जाता है। समझिएगा इस चीज को, दो ही चीजें हैं रेप में, विल और कंसेंट, ठीक है ना, इच्छा और अनुमति, ठीक है, विल मतलब इच्छा और कंसेंट मतलब अनुमति, एक तरीके से आप अगर दोनों चीजें यहां पर नहीं है तो
भाई एक भी चीज अगर मिसिंग है तो फिर आप जो है रेप के लिए चार्ज कर लिए जाओगे। समझ में आ रही बात कि भाई विल तो थी लेकिन कंसेंट नहीं थी, आपने जबरदस्ती करा, ठीक है ना। और कई बार विल नहीं थी लेकिन कंसेंट थी तो भी जो है रेप के लिए चार्ज हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर किसी को दोनों में कुछ डिफरेंस समझना हो ना तो फिर मुझे बताना, क्योंकि अभी अगर इसमें घुस जाएंगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा सेशन, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो वी आर डन विद द रिस्पोंडेंट आर्गुमेंट। तो रिस्पोंडेंट ने क्लियर बोला कि साहब प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ कर दिया, तो यहां पर इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ऑलरेडी इसमें इंटरफेयर कर चुके हैं, उन्होंने डिसाइड कर दिया है तो क्यों इसमें पड़ता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स जंप ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ऐसे कैसे, रुको जरा आगे देखो तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक नया सीन बनाया है, ठीक है ना। आप ये बोलोगे साहब इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट बोलता देखो अभी इसी में हम कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं आपको, ठीक है। अभी ये चीजें पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है। ये मास्टर शेफ वाली स्थिति है कि हमको ऐसा लगता है कि हमने कोई कर रेसिपी बना ली ना तो वो परफेक्ट हो गई, नहीं। उसमें जो हमारे वो है ना रणवीर ब्रार साहब है वो आकर एकदम बोलेंगे ना रुक जाओ अभी इसमें कुछ हल्का फुल्का तड़का लगा देते हैं, ठीक है। ये वही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी कुछ एक नया शेप देते हैं इसको, देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द बोन ऑफ कंटेंशन raised on behalf of the respondents that the prosecutrix had given her consent for sexual relationship under the misconception of fact, ठीक है ना। As accused has given a false promise to marry her and subsequently he did not marry, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो contention raise किया गया respondent की तरफ से कि भाई ये misconception of fact है, purely misconception of fact है, ठीक है ना, कि यहां पर prosecutrix को फंसाया गया है, उसको झांसा दिया गया हम तुमसे शादी करेंगे लेकिन शादी नहीं करी, ठीक है ना। एंड सब्सिक्वेंटली ही डिड नॉट मैरी, उसने शादी नहीं करी, ठीक है ना। एंड देयरफॉर सच कंसेंट वाज नो कंसेंट इन द आई ऑफ लॉ, और इनके हिसाब से इनका बोलना ये रिस्पॉन्डेंट था कि भाई वो जो कंसेंट है कोई कंसेंट है ही नहीं इन द आई ऑफ लॉ, क्योंकि अगर आप मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से अगर किसी की कंसेंट लेते हो तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती, यही तो हम बोल रहे थे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, ठीक है। एंड इन केस फॉल्स अंडर द क्लॉज सेकेंडली ऑफ सेक्शन 375, और ये सेक्शन 375 में फॉल कर जाएगा, रिस्पॉन्डेंट ने यही बोला है ना सुप्रीम कोर्ट ने का, ठीक है। सो इन दिस रिगार्ड इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग अ फॉल्स प्रॉमिस एंड कमिटिंग ब्रीच ऑफ प्रॉमिस बाय द अक्यूज्ड। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर एक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस होता है फॉल्स प्रॉमिस और कमिटिंग ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। समझ में आ रही बात? अभी देखो मैं दिखाता हूं रिस्पॉन्डेंट फंस कहां गए थे। रिस्पॉन्डेंट ने यहां पर यह लिखा हुआ था, ठीक है ना, गिविंग हर फॉल्स प्रॉमिस, पहले इन्होंने ये वर्ड यूज किया, देखिए, ठीक है ना, कि गिविंग हर फॉल्स प्रॉमिस दैट वुड मैरी हर, हाउएवर ही कमिटेड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। दोनों ही वर्ड इन्होंने एक साथ यूज कर लिए, ये फंस गए बस, जो रिस्पॉन्डेंट साहब है ना हमारे, ये यहां लपेट गए। इनको नहीं पता था कि कितना बोलना था, क्या बोलना था, लेकिन इन्होंने जो चीजें दोनों वर्ड एक साथ यूज कर लिए, सर इन्होंने फॉल्स प्रॉमिस दिया और इन्होंने बाद में ब्रीच ऑफ प्रॉमिस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी रुक जाओ, भी बता रहे हैं आपको दोनों में फर्क होता है, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट में किंतु परंतु वाले शब्द यूज नहीं किए जाएंगे। समझ में आ रही है? जंबल द वर्ड्स नहीं चल रहा है कि कुछ भी लपेटना हमने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दोनों में फर्क होता है, अब समझो डिफरेंस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग अ फॉल्स प्रॉमिस एंड कमिटिंग ब्रीच ऑफ प्रॉमिस बाय द अक्यूज्ड। तो यहां पर क्या बताया, द सुप्रीम कोर्ट एडेड दैट इन द केस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस द अक्यूज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वुड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू मैरी द प्रोसिक्यूटरी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर फॉल्स प्रॉमिस है तो अक्यूज की स्टार्टिंग से इंटेंशन उससे शादी करने की कभी थी ही नहीं, वो अपनी लस्ट को सेटिस्फाई कर रहा था, कुल मिलाकर वो केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता था, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता था, दैट्स इट। ये है फॉल्स प्रॉमिस, समझो इस बात को, केस को भी थोड़ा सा साइड में करो, पहले तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये है फॉल्स प्रॉमिस। फर्दर and would have cheated or deceived the prosecutor by giving a false promise of marry to marry her only with a view to satisfy his lust, ठीक है ना। और इन्होंने केवल उसको झांसा जो दिया था वो केवल अपनी लस्ट को satisfy करने के लिए दिया था, ठीक है। So where is in the case of breach of promise, लेकिन अब बात करते हैं breach of promise की। Supreme Court ने बोला आप समझो breach of promise को, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि one cannot deny a possibility that the accused might have given a promise with all seriousness to marry, कि भाई हो सकता है, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। जब बात कर रहे हो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस की तो उसमें बिल्कुल हो सकता है कि जब प्रॉमिस की गई थी तो बिल्कुल पूरा चांस था कि उसकी इंटेंशन थी कि उससे शादी करेगा, लेकिन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस वो उससे शादी नहीं कर पाया। हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं कि भाई कास्ट के कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कितनी ही जो लव मैरिज है वो मतलब वाकई में एग्जीक्यूट हो पाती है। एक रिलेशनशिप तो चलता है यार, हर दूसरे बंदे का, हर पहले बंदे का चल रहा है, दूसरे का नहीं चल रहा। 100 में से 101 बंदों का जो है वो चल रहा है। अब 101 क्यों बोले, किसी के दो भी तो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वही चीज है कि भाई यहां पर आप जो है, और इंटरकास्ट कास्ट वाला तो कोई ढूंढेगा नहीं कि भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लड़की चाहिए, या ब्राह्मण लड़की है तो ब्राह्मण लड़का ही चाहिए, या लाला है तो लाला ही चाहिए, ऐसा तो हो नहीं पाता है, ठीक है ना भाई। वो तो ये लव एंड अफेक्शन है ना, वो तो किसी से भी लव एट फर्स्ट साइड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज उन्होंने यहां पर बोली कि भाई आप जो है शादी करना चाहते थे लेकिन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भाई घर वाले जो है एकदम खड़े हो गए लेके कि भाई तुझे तुम्हें हम जायदाद से बेदखल कर देंगे। सूर्यवंशी मूवी आई थी ना, ये लोग
तुम्हारी जमीन के कागजात, तो वो वही वही चीजें हैं। तो भाई वो तो सूरजम में हीरा ठाकुर साहब तो वो करा उन्होंने कि नहीं नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम अलग होके जाएंगे, उनको पता थी, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी सूरजम की कि ये लड़की आगे जाके आईएएस ऑफिसर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल का टाइम है निकाल लेते हैं, ठीक है, इसलिए वो हट गए, नहीं तो पेपर और पेपर भी नहीं ले गए वो, समझ रहे हो। तो यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर आपने पूरी इंटेंशन थी कि हम शादी करेंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से वहां पर शादी नहीं हो पाई, क्लियर हो रहा है। तो इनका बोलना यह है कि इसको अपन बोलते हैं कमिटिंग ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, कि वो चाहता तो था करना लेकिन घर वालों ने साथ नहीं दिया, कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं बनी जिस वजह से शादी नहीं हो पाई, क्लियर हो रहा है। तो ये डिफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई बात को समझो, वकील साहब से बोला रिस्पॉन्डेंट साहब से कि यार थोड़ा समझो कि फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, तो आप एक साथ एक ही लाइन में दोनों वर्ड को यूज मत करो कि फॉल्स प्रॉमिस दिया और फिर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। चलिए तो यहां पर इनका बोलना यह था कि सीरियसनेस मैरिया ने सब्सिक्वेंटली माइट हैव एनकाउंटर्ड सर्टेन सर्कमस्टांसेस अनफोर्सीन बाय हिम और सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल व्हिच प्रिवेंटेड हिम टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, ठीक है, यही भी डिस्कस किया हमने। सो इट वुड बी फोली टू ट्रीट ईच अ प्रॉमिस टू मैरी एज अ फॉल्स प्रॉमिस एंड टू प्रोसिक्यूट अ पर्सन फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 376। तो इनका बोलना यह है कि हर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस को हम फॉल्स प्रॉमिस में कंसीडर नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये चीज गड़बड़ हो जाएगी, और हर प्रॉमिस को हम ले जाकर हम ये जो सेक्शन 376 अंडर ट्रीट भी नहीं कर सकते कि भाई लड़का लड़की राजी थे लेकिन शादी नहीं हो पाई, तो क्या हम लड़के को जो है सेक्शन 376 के अंडर लाइबल ठहरा देंगे। एक केस आया था आप लोगों को याद होगा कि एक लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में थे लेकिन कुछ लोगों के बीच में लगभग 4-5 साल तक थे और उनके बीच में कुछ जो रिलेशनशिप है ना उनके थोड़े से खराब हो गए, होता है कई बार लड़ाई होती है तो शादी तो एक मजबूरी हो जाती है कि भाई आपको अब साथ में रहना ही रहना है, ठीक है, लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप है ना उसमें बहुत इंडिपेंडेंस होती है, फ्रीडम होती है आपके पास, ठीक है। तो वहां पर हुआ क्या कि वो जो लड़की है वो अलग हुई और उसने रेप के चार्जेस लगा दिए, तो कोर्ट ने ये चीज बोला कि भाई 4-5 साल तक आप लोग साथ में थे, अचानक से आपके बीच में एक झगड़ा हुआ और आपने रेप के चार्जेस लगा दिए, ये चीज जस्टिफाइड नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ये चीज सब ये मैं जजमेंट पर बात कर रहा हूं, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये लिटरल जजमेंट है, मैंने पढ़ाया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टॉप कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट द प्रोसिक्यूटरेस हू हरसेल्फ वाज अ मैरिड वुमन हैविंग द 3 children कुड नॉट बी सेड टू हैव एक्टेड अंडर द एलिस्ट फॉल्स प्रॉमिस गिवन बाय द अपीलेंट और अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वाइल गिविंग द कंसेंट टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द अपीलेंट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुनो बात ऐसी है, एक लड़की जिसके 3 बच्चे हैं, शादीशुदा है, दुनिया उसने देखी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसको बेवकूफ बनाया गया था, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आप नहीं बोल सकते उसको बेवकूफ बनाया गया था, सब बहुत होशियार है यहां पे, ठीक है, और अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है या सेक्सुअल रिलेशनशिप में आती है तो ये नहीं बोलेंगे आपके मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट था, क्लियर हो रहा है। तो उसको सब पता, 5 साल से आप रिलेशन में थे यार, ठीक है। तो इनका बोलना यह है कि अनडिस्प्यूटेडली शी कंटिन्यू टू हैव सच रिलेशनशिप विद हिम एटलीस्ट फॉर अबाउट 5 years टिल शी गेव कंप्लेंट इन द ईयर 2015। कंप्लीट करने से पहले 5 साल रही है वो रिलेशनशिप में, तो आप ये मत बोलो कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट था। सो इवन इफ द एलिगेशन मेड बाय हर इन हर डिपोजिशन बिफोर द कोर्ट आर टेकिंग ऑन देयर फेस वैल्यू देन ऑल्सो टू कंस्टिट्यू सच एलिगेशन एज रेप बाय द अपीलेंट वुड बी स्ट्रेचिंग द केस टू फार। तो इनका बोलना यह है कि अगर हम उस बात को एलिगेशन को जो उसने लगाया है, ठीक है ना, उसको अगर अपन अगर मान भी लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है कि भाई चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम उन चीजों को रेप में कंसिडर कर लेते हैं इतना सब समझने के बाद, इन सब फैक्ट्स डिटेल में पढ़ने के बाद, तो बोले यार इस केस फिर तो फिर अलग डायरेक्शन में ले जाओगे आप किस केस को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फर्दर द प्रोसिक्यूटरिस बीइंग अ मैरिड वुमन एंड द मदर ऑफ 3 children हैज वाज मैच्योर्ड एंड इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मोरल एंड इमोरल क्वालिटी ऑफ एक्ट शी वाज कंसेंटेड टू। इनका बोलना यह है कि उसे पता था कि कौन सा एक्ट जो है मोरल है, कौन सा इमोरल है, क्या चीजें उसे करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उसे सब पता था। तो आप ये मत बताओ कि यार वो ना समझे और उसको फंसा लिया, ठीक है, ये अब वो समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज की रियलिटी को देखो, आज जो है ना विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर चीजें हर जगह पर अधिकार मिल रहा है, सब समझदार है, कोई घर पर बिड़ा हुआ नहीं है, घर पर बंद नहीं है, समझ में आ रही बात, निकली नहीं दुनिया नहीं देखी, सबने दुनिया देखी और ज्यादा ही देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये थे बेसिक ऑब्जर्वेशन। अब एक और पार्ट कहीं ना कहीं निकल कर आया इस केस में, तो इसमें कहीं ना कहीं दो चीजें डिस्कस की गई, एक तो ये हो गया कि भाई फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। अब एक और पार्ट निकल कर आ रहा है कि किस लैंग्वेज में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर हुआ क्या, तो सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट वॉज ब्रॉट टू नोटिस ऑफ द कोर्ट दैट द डिपोजिशन ऑफ द प्रोसिक्यूटरिस वॉज रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज दो शी हैड डिपोज्ड इन हर वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज नोटिस करी कि भाई उसकी जो उसने जो स्टेटमेंट दिया था प्रोसिक्यूटरिस ने उसको इंग्लिश में नोट डाउन किया गया, ठीक है ना, जबकि उसने अपनी लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में वहां पर क्या दिया था, स्टेटमेंट दिया था, समझ में आ रही बात। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने नोट करी। अब होता क्या है कि मान लीजिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मैंने मान लो कोई स्टेटमेंट दिया
और उसको आप लोगों ने आपने डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड किया, मतलब आप मैंने जो एक्चुअल चीज बोली थी वो नोट नहीं की गई, वो एक ट्रांसलेशन जो है वो नोट किया गया। समझ में आ रही बात? अब ट्रांसलेशन में होता क्या है कि थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है ना, कि जो एक वो है ना कि मतलब मैं किस इंटेंशन से बोल रहा था, आप वहां पर किस इंटेंशन से लिख रहे थे, ठीक है ना, ये डिफरेंस आ जाते हैं, बहुत बेसिक है। लेकिन अगर आप जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा उसी में आप नोट करोगे तो ट्रांसलेट करने में अगर कोई गलती भी हुई होगी तो हम दोबारा से उसे टैली कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने हिंदी में कोई स्टेटमेंट दिया था, उसको अगर आप लोगों ने मान लो ट्रांसलेट किया, हो सकता है गलती हो गई हो, तो टैली करने के लिए हमारे पास वो कम से कम डॉक्यूमेंट तो होगा जो मैंने एक्चुअल लैंग्वेज में जो मैंने बोला था वो नोट किया गया। अब इन्होंने डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करके ये बन रहे तो जा, ठीक है ना, इन्होंने डायरेक्टली कोर्ट के लैंग्वेज में इंग्लिश में ही इसको कन्वर्ट कर लिया डायरेक्ट। समझ आ रही बात? अब कोर्ट का बोलना यह है, क्या बोला कोर्ट ने, कि भाई आपको उसी लैंग्वेज में नोट करना है जिस लैंग्वेज में डिपोजिशन दिया गया है, आपको क्यों इंग्लिश में नोट करना है मुझे ये समझाइए। अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो इंग्लिश में नोट करो, अगर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहा है तो लोकल लैंग्वेज में नोट करो, उसके बाद उसे कन्वर्ट करो। समझ में आ रही बात? कि जिससे इनकेस कोई कंफ्यूजन बनता है तो हम उससे टैली तो कर सकें कि भाई इसने क्या बोला था एक्चुअली। समझ में आ रही बात? कि हो सकता है कि आप मिस इंटरप्रेट कर जाए रिकॉर्ड करते टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। The top court said that the evidence of the witness has to be recorded in the language of the court or in the language of the witness as may be practicable and then get it translated in the language of court for forming part of the record. ये अभी अपने डिस्कस किया कि जितना हो सके भाई कोशिश करिए कि उसी लैंग्वेज में नोट किया जाए जिस लैंग्वेज में बोला गया। Further, the Supreme Court added that when a question arises as to what exactly the witness had stated, वही चीज मैंने बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर ये सिचुएशन निकल के आ जाती है कि एक्चुअली उसने एक्जैक्टली क्या बोला था, क्योंकि कई बार फंस जाती है बात आकर, क्या यहां पर जो है स्टेटमेंट से बात समझ में नहीं आ रही, तो दोबारा से देखो, तो जब आप रिकॉर्ड देखोगे ना तो आप अगर उसकी लोकल लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया होगा तो आप चीजों को ज्यादा परफेक्ट तरीके से टैली कर पाओगे। यही चीज बोली कि व्हाट एग्जैक्टली विटनेस हैड स्टेटेड इन इज आर एविडेंस, इट इज ओरिजिनल डेपोजिशन ऑफ द विटनेस विच हैज टू बी टेकन इन टू अकाउंट एंड नॉट द ट्रांसलेटेड मेमोरेंडम इन इंग्लिश प्रिपेयर्ड बाय द प्रिसाइडिंग जज। तो इनका बोलना यह है कि जब बात कंफ्यूजन की आएगी तो जो ओरिजिनल डेपोजिशन होगा उसको देखा जाएगा, ना कि ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट को। समझ में आ रही बात? चलिए। So it is therefore directed that all court while recording the evidence of the witness shall duly comply with the provision highlighted in this case. Further, so let's jump on the judgment wala part. We have only one para. So the Supreme Court bench of Justice Ajay Rastogi's R. Belam Trivedi ma'am held that the accused deserved to be acquitted from the charges leveled against them. Supreme Court ne bola ki bhaiya ye to charges jo hai na, humne aapko bataya tha na ki Supreme Court tadka laga raha hai. उन्होंने बोला कि हम बताते हैं जिसको कैसे बदलना है, आपने बताई थी कि स्पाइसी डिश उसको हमने मीठा बना दिया, ठीक है ना, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, आप बोल रहे हो यार वो क्या था, वो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए ना, वही वाला सिचुएशन है। तो हाई कोर्ट इज लाइक कि यार ये हुआ क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो यार डिफरेंस होता है, हमने रिस्पॉन्डेंट की बात को समझा, उनको समझाया भी कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, हवा में चीजें नहीं चलेंगी, आप हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में जाकर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। समझ में आ रही बात? तो यही चीज जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस अजय रस्तोगी बेलम त्रिवेदी मैम सेड दैट कि भैया उनको हम एक्विट कर रहे हैं, यहाँ पर सारे चार्जेस 376 के चार्जेस नहीं लग सकते, 90 के चार्जेस नहीं लग सकते। ऑफ कोर्स द डायरेक्शन फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन गिवन बाय द कोर्ट बिलो शैल रिमेन अनचेंज्ड एज अपीलेंट हैड एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चार्ज। लेकिन 5 लाख रुपए का जो कॉम्पनसेशन है वो जो चीजें है ना वो कहीं ना कहीं क्या है वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोली नहीं, 5 लाख रुपए आपको एज अ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। समझिए इस बात को, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो अपीलेंट है जो नायम अहमद साहब है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने ली है, ठीक है ना, अपीलेंट ने एक्सेप्ट की थी कि हाँ ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, एंड हैज ऑल्सो पेड द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द प्रोसिक्यूटेशन, ठीक है ना, और उन्होंने कुछ अमाउंट जो कॉम्पनसेशन दिया भी था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आप अमाउंट तो देंगे लेकिन आपके ऊपर जो चार्जेस है क्रिमिनल चार्जेस इंपोज किए गए वो नहीं किए जाएंगे। सो वी आर डन विद टुडे सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और आपको केस कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो, ठीक है ना, और कुछ अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ आप और सजेशन आपके दिमाग में तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, ठीक है ना, और इसी तरीके से हम जो है केसेस डिस्कस करते हैं यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट आपका जनरेट कर पाऊँ केस में वो करता हूँ, ठीक है ना। तो एक और हर बार ऐसा नहीं होता है कि केस सारे केसेस इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, कुछ केसेस जो है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, सारे सब्जेक्ट हमें कवर करने, कॉन्स्टिट्यूशन भी करना है, टीपीए भी करना है, कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, क्रिमिनल भी करना है, और आईपीआर भी करना है, एनआई भी करना है, सारे केसेस जो है कवर करने। समझ में आ रही बात? थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड किसी को कुछ भी कंफ्यूजन कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, दिल खोल के कमेंट कर दो अगर कुछ कंफ्यूजन बन रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं, एंड लाइक जरूर कर देना प्लीज, ठीक है, और कल फिर मिलेंगे 9 AM इन द मॉर्निंग विद सम इंटरेस्टिंग लीगल न्यूज पॉइंट्स, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सेशन को जरूर अटेंड करें, एंड शाम को फिर एक इंटरेस्टिंग से जजमेंट में मिलेंगे और उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड गुड नाइट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।